नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोग कैसे हो गए? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी श्रोताओं भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आलाखंड काम में सबसे पहले बोलिए शारदा माता की जय, सरस्वती माता की जय। श्रोताओं, आपने सुना होगा आलाखंड काम में मामा महल, चुगलखोर मामा महल ने अपने भांजे को क्यों मरवाया था, जबकि चुगलखोर मामा ने अपने भांजे की शादी भी करवाई थी, शादी करवाकर उसे मौत के घाट भी उतरवा दिया था, वो कौन था दोस्तों? आइए जानते हैं पूरा वीडियो विस्तार से। कुछ छोटी वीडियो होने वाली, छोटी सी ही जानकारी में पूरी जानकारी होगी। श्रोताओं, जो मामा महल थे उनके जीजा थे परमाल, जिन्होंने परमाल राजा ने महोबा पर जबरदस्ती कब्जा कर मामा महल की बहन मलना, मामा की महल की बहन शादी कर जबरदस्ती मामा महल को निकाल दिया था और उसे उरई का राज्य दे दिया था। इसीलिए मामा महल हमेशा खिसे आता रहता था राजा परमाल से, और इसीलिए अपने भांजे से खिसे आता रहता था। उसका काम था मैं अपने इस परिवार को नष्ट कर दूंगा। श्रोताओं, मामा महल ने अपने भांजे ब्रह्माजीत का विवाह पृथ्वीराज की, जो दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज, उसकी बेटी बेला से करवाया था। बेला से विवाह हुआ था लेकिन गौना भी नहीं कर पाया था। उसके बाद में गौने में बहुत युद्ध हुआ। उसी समय अपने भांजे को मामा महल ने पृथ्वीराज कहकर मामा महल को बुलाया। मामा महल ने चुगली कर अपने भांजे को राजा पृथ्वीराज के हाथों से मरवा दिया। श्रोताओं, किसके हाथों मरवा दिया? पृथ्वीराज के हाथों से। जब पृथ्वीराज के हाथों से ब्रह्माजीत मारा गया दोस्तों, ऐसा कौन सा मामा होगा जो अपने भांजे को मरवा देगा? दोस्तों, मामा जितने हुए हैं वो नाश के घरे हुए हैं। चाहे कंस मामा हो, चाहे मामा मारीच हो, चाहे मामा शकुनी हो, दोस्तों जितने मामा हुए हैं वो इन्होंने देश का ऐसी तैसी कर दी है दोस्तों। उसी तरीके का ये मामा महल था दोस्तों। आज ये छोटी वीडियो यहीं